कांग्रेस के मेरे साथीगण पावल साहू जी, सभी पत्रकार बंधु, मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही रहा है। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे, और इनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ हैं, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी, एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। आज जो प्रदेश की तस्वीर है, कलाकारी से, घोषणाओं से, आज गुमराह करके शिवराज जी तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। और कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश, एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक बोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी, बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं करी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना भी घटेगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। बीजेपी समझ ले, कुछ नेता बिक सकते हैं पर वोटर नहीं बिक सकते मध्य प्रदेश के, वो प्रयास तो करेंगे। तो आज ये जो सौदे की राजनीति, आज जो संविधान और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका फैसला होगा कि बिकाऊ राजनीति क्या आपके प्रदेश में चलेगी। बोली बोल लो, सरकार बना लो, चुनाव का क्या फायदा, चुनाव का क्या महत्व, ये प्रश्न है हमारे सामने। आज किसी को सोच नहीं हमारे प्रदेश के नौजवानों के बारे में। आज का भटकता हुआ नौजवान, आज का पीड़ित किसान, किसान को मूर्ख बनाओ किसी तरह। शिवराज जी आज बांट रहे पैसा जिसका प्रीमियम कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और वाहवा करेंगे क्योंकि उपचुनाव है। वो जानते हैं उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है, पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है, आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है, वो भी मध्य प्रदेश की भविष्य का भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूँ वापस कांग्रेस परिवार में। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे, आज वो भी होते, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, पर उन्होंने भी कांग्रेस की नींव बना के रखी थी, और उस कांग्रेस की नींव का एक फल आज आपके सामने है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल दो शब्दों में अपनी बात कहूंगी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं, और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं, और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं, इतने कहूंगी। और मेरी ये घर वापसी है, और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ, और इसकी